पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी को लेकर आज हमारे साथ में ACMO मौजूद हैं, बात करेंगे। उनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, सर किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहिए? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल से IGRS से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर शाहपुर रोड पर जीवन रेखा नाम से एक संचालित हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। आज औचक निरीक्षण किया गया, संयुक्त टीम बनाकर इसमें जो चौकी इंचार्ज साहब थे पुलिस और हमारी टीम ने यहाँ औचक निरीक्षण किया, और जिसके दौरान सही पाया गया कि यहाँ पर निरीक्षण के दौरान कोई डॉक्टर नहीं पाया गया, कोई स्टाफ जो है वो डिग्री होल्डर नहीं पाया गया, कोई डिप्लोमा होल्डर नहीं पाया गया, और एक अवैध रूप से यहाँ पर लैब संचालित पाई गई। अच्छा, इसके अलावा कुछ दवाइयों के भी नमूने लिए गए हैं, क्या कहेंगे उन? वो सभी दवाइयों के, यहाँ पर एक मेडिकल भी संचालित पाया गया है जो कि दवाइयाँ सीज कर थाने में तहरीर दी जा रही है और इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अच्छा, मुरादाबाद के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो जो लोगों की सेवा कर रहे हैं? किसी भी माध्यम से अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तुरंत जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये थे हमारे साथ में ACMO डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जिनका कहना सीधे तौर पर है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि कोई भी शिकायत या फिर सरकार के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।